नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक बिपिन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट बिंग में अकाउंट कैसे क्रिएट करें। दोस्तों बिंग एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करके आप एआई जनरेटेड इमेज कैसे बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों बिंग एप्लीकेशन में मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लॉर्ड गणेशा और लॉर्ड कृष्णा जी के इमेज यहाँ पे जनरेट करके आपको दिखाया है। आप कोई भी प्रॉम्प्ट देके आप कोई भी इमेज अपने मुताबिक जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड एप्लीकेशन रिलेटेड वीडियो चैनल पे लाता रहता हूं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। बिंग एप्लीकेशन में अकाउंट बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पे आके सर्चिंग बार में आपको टाइप कर लेना है बिंग। दोस्तों बिंग टाइप करने के बाद यहाँ पे बिंग एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है। पहले से मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल है, 50 मिलियन डाउनलोड है, 4.4 रेटिंग है। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अगर आपने इंस्टॉल किए नहीं होंगे तो आप बिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्रोम ब्राउजर के जरिए लॉगिन करने के लिए या साइन अप करने के लिए, तो आप क्रोम ब्राउजर के जरिए आप बिना किसी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए बिना भी आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आज न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे और इमेज भी क्रिएट करेंगे। दोस्तों एप्लीकेशन ओपन करने के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहाँ पे प्रोफाइल का आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली प्रोफाइल आइकन का ऊपर टैप करेंगे। टैप करके हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी मेल आईडी है तो आप कोई भी मेल आईडी के जरिए आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बनाने के लिए टॉप में जहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, उसके राइट में साइन इन लिखा है, सिंपली साइन इन का ऊपर टैप करेंगे। दोस्तों साइन इन का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप चाहे यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी या फोन नंबर के जरिए आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों हमको न्यू अकाउंट बनाने के लिए बटन में जहाँ पे लिखा है नो अकाउंट क्रिएट वन, सिंपली क्रिएट वन का ऊपर टैप करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एक न्यू मेल आईडी क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट वन का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं फोन नंबर के जरिए अकाउंट बनाने के लिए, सिंपली यहाँ पे यूज ए फोन नंबर इंस्टेंट का ऊपर टैप कर सकते हैं। आप चाहते हैं न्यू ईमेल आईडी एक क्रिएट करने के लिए, देन बॉटम में जहाँ पे लिखा है गेट न्यू ईमेल एड्रेस, सिंपली गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस का ऊपर टैप करेंगे। दोस्तों गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएट अकाउंट, क्रसर ब्लिंकिंग हो रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू ईमेल, आप जो भी ईमेल आईडी रखना चाहते हैं यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे एक्सटेंशन के तौर पे outlook.com देन hotmail.com, यहाँ पे मैं outlook.com रख लेता हूँ। दोस्तों टॉप में यहाँ पे न्यू ईमेल एड्रेस का ऊपर जहाँ पे क्रॉसर ब्लिंकिंग हो रहा है, यहाँ पे हम कोई भी एक यूनिक सा नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो नेम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ईमेल आईडी का नेम रखने के बाद देन बटन में नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। नेक्स्ट में टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए टॉप में हमारा क्रिएट किया हुआ मेल आईडी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। देन बटन में दिखाई दे रहा है क्रिएट ए पासवर्ड, आपको जो भी पासवर्ड रखना है आपको यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड के सेक्शन में आपको रख लेना है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रखा जाता है इस रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख के देन नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्हाट योर नेम, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम रख के देन नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम रख के देन नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेता हूँ। नेक्स्ट में टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। टॉप में हमारा क्रिएट किया हुआ मेल आईडी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। देन बटन में दिखाई दे रहा है व्हाट योर बर्थडे, आपको जो भी बर्थडे आप चाहते हैं रैंडमली कोई भी आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका खुद का भी बर्थडे आप चाहें तो रख सकते हैं। फिलहाल हम रैंडमली कोई भी एक बर्थडे रख लेते हैं। देन टॉप में दिखाई दे रहा है कंट्री ओरिजिन, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे रख लीजिए। फिलहाल मैं इंडिया से हूँ, यहाँ से बाय डिफॉल्ट इंडिया है। देन नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। नेक्स्ट में टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेल्प अस बीटा द रोबोट, यहाँ पे मेंशन है प्लीज सॉल्व द पजल सो वी नो यू आर नॉट ए रोबोट, आप एक ह्यूमन बींग है, इसको प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे पजल सॉल्व करना है। नेक्स्ट में टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे एक फिंगर दिखाई दे रहा है, फिंगर जिस डिरेक्शन में दिखाई दे रहा है हमको चेयर को उस डिरेक्शन में लाना है। आपको राइट एरो लेफ्ट एरो को टैप करके आप उस डिरेक्शन में ले आइए।
देन यहाँ पे पजल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। हम यहाँ से बैक चलते हैं। बैक आने के बाद बिंग अकाउंट में क्रिएट किया हुआ मेल आईडी हमको टॉप में विजिबल हो रहा है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे होम बटन दिखाई दे रहा है, होम बटन का ऊपर टैप करते हैं। होम बटन का ऊपर जब टैप करेंगे हमको यहाँ पे होम स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बिंग एप्लीकेशन का होम स्क्रीन। दोस्तों हमको राइट कॉर्नर जो लोगो दिखाई दे रहा है या आइकन दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर बटन में, सिंपली उसका ऊपर टैप करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। मिडिल टॉप में जहाँ पे दिखाई दे रहा है, टॉप मिडिल सेक्शन में इमेज क्रिएटर पे कई सारे आइकन दिखाई दे रहे हैं। हमको सिंपली इमेज क्रिएटर नाम का जो आइकन दिखाई दे रहा है, सिंपली उस लोगो का ऊपर टैप करेंगे। इमेज क्रिएटर का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे क्रॉसर ब्लिंकिंग हो रहा है, इसका अंदर हम जो भी प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे उस रिलेटेड इमेज यहाँ पे जनरेट होगा। जनरेट करने के लिए आपको पर डे 15 कॉइन मिलता है। 15 कॉइन में आपको एक कॉइन में 4 इमेज आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। टॉप में प्रॉम्प्ट एंटर करने के लिए जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसका अंदर हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंटर करके देन क्रिएट का ऊपर टैप करेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्रिएट का ऊपर टैप करने के बाद कुछ सेकंड का अंदर हमको यहाँ पे इमेज जनरेट करके हमको बॉटम में दिखाई देगा। प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ सेकंडों के अंदर यहाँ पे देखिए 4 इमेज हमारे सामने आ गया। दोस्तों आप चाहे इस इमेज को 1x1 टैप करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैं इस इमेज का ऊपर टैप किया, देन डाउनलोड का ऊपर जब टैप करता हूँ ये इमेज हमारे मोबाइल गैलरी पे डाउनलोड हो चुका है। प्रॉम्प्ट बॉक्स का अंदर हमने लिखा लॉर्ड गणेश वॉकिंग इन द रोड। यहाँ पे देखिए लॉर्ड गणेश रिलेटेड हमको इस तरह का AI जनरेट इमेज यहाँ पे मिल गया। आप इस तरह से इमेज का ऊपर टैप करके आप 1x1 इस तरह से देख सकते हैं। चाहे तो आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड बटन का ऊपर टैप करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने मैंने एक और इमेज दिखा रहा हूँ, ये लॉर्ड कृष्णा जी के है। आप इस तरह का इमेज आप खुद प्रॉम्प्ट देके अपने मुताबिक बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा AI जनरेट इमेज को आप NME वीडियो में या वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मींस AI वीडियो में कैसे इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मेरे को कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।